मेरी ट्रांस साइज भगवान ले रहे हैं मतलब कि मेरी ट्रांस साइज भगवान ले रहे हैं मतलब कि हम कितना भी बात करें कि हम मॉडर्न हो चुके हैं, हम आगे निकल चुके हैं, लेकिन आज भी अगर आप सैनिटरी पैड लेने जाते हैं ना तो वो काले पन्नी में डाल के ही देता है। आज भी आप ढूंढती हैं कि अगर कोई लड़की हो शॉप में तो ही मैं ब्रा खरीदूंगी, साइज लूंगी। कोई अगर लड़का है तो मैं उसे नहीं बोल सकती दैट आई वांट टू बाय दिस ब्रा। अभी भी वो शर्म औरतों में है, अभी भी वो देखती हैं कि अगर इसमें दो मर्द हैं तो यहाँ इस दुकान से नहीं लेना, मैंने उस दुकान से लेना है। True, very true. आज भी अगर वो पैंटीज लेने जाती हैं तो वो दो साइज कम बताती हैं, फिर कहती हैं भाई पता नहीं आप साइज ले लो। दे आर इवन टुडे दे आर अशेम्ड ऑफ ऑल दीज थिंग्स, आई डोंट नो व्हाई। मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि जो चीज जरूरी है और आप ही नहीं पूरी दुनिया पहनती है, दे नो अबाउट इट, व्हाई आर यू अशेम्ड ऑफ इट? क्यों आपको काली पन्नी में चीजें डाल के देनी पड़ती हैं? क्यों आप लेकर नहीं आ सकते? क्यों आप अगर अगर इफ यू आर वर्किंग एंड यू स्टार्ट चमिंग यू हैव टू गो एंड फाइंड अ फीमेल को एक्टर एंड से दिस इज व्हाट हैपेंड, प्लीज हेल्प मी, प्लीज व्हाई कांट यू से एक्सक्यूज मी, आई थिंक आई एम डाउन, कैन आई प्लीज टेक अ ब्रेक एंड गो एंड कम बैक? लोग ये कब खुलेंगे? नहीं, इतने जो दो लाइनें आपने बोली है ना, दीस टू लाइंस, मेरे को 20 साल हो गए स्टेज पर, कोई ये बोल नहीं पाता पहले, चमिंग एंड डाउन, ये दो जो शब्द आपने बोले। आई टेल यू समथिंग, इट कैन मेक पीपल फील वेरी अनकंफर्टेबल, इट्स अ वेरी बिग डील। एंड क्या हो जाता है, यू नो, एक पेट्रियार्कल सोसाइटी में हम जीते थे जिसमें होता था कि जो मर्द है दे कैन से व्हाट दे फील लाइक, आफ्टर अ टाइम इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू हैव अ डिस्कशन। तो मुझे लगता है कि इवन विद स्ट्रॉन्ग फीमेल रोल मॉडल्स आपकी तरह ये डिस्कशन आगे जा पा रही है। हेलो, और यही परवरिश आपने अपने बच्चों को भी दिया है। आई थिंक दैट्स द ब्यूटी जो नेक्स्ट जनरेशन को हमें देना है, वो नेक्स्ट जनरेशन ऑनलाइन से सीख रही है काफी कुछ, यू नो, सो आई थिंक दिस इज ब्रिलियंट। सो प्लीज कंटिन्यू, बट दीज टू लाइंस आई हैड टू स्टॉप बिकॉज मेरे स्टेज पर तो आज मतलब इवन इन पैडमैन के टाइम पर अक्षय सर भी बोले थे सुनो हमें ऐसे बात करनी, बट आई विल स्पीक वेरी ऑनेस्टली, but no lady on stage was still speaking very honestly about it. So yeah, because that's what I'm saying, because for people ye abhi bhi bahut bada issue hai, ye bahut sharam ki baat hai, bahut zyada ghar mein pati ko pata chal gaya theek hai, par devar ya kisi aur ko ghar mein pata bhi nahi chalna chahiye, baad mein bhanak bhi nahi chahiye ki kab aurat matlab mahine mein us char din mein aati hai aur kab chali jati, ghar mein kisi ko pata nahi chal sakta aur abhi tak mere samajh mein nahi aata kyun, I don't know why. Why there's so much of issue which we want to target, which we want to see? There are few things which are important, and we still don't speak about it. So thanks to Manish sir, jo is tarah ka subject lekar aa rahe hain ki, khair ye to it's one of the subjects, but there are many issues that we are going to point and target. And doing it in Bhopal also, I think I'm very impressed, sir, because heartland, the largest heartland, kaise kahe, jana bahut zaruri hai. And of course, whenever you see Digantara, itni lambi hai, I think you are cast up perfectly as a model in this also. Bhagwan se seedha bra fit ho. Yeah. Matlab jump dekh. Allah Arjun just want to say that. Saurabh, how does it feel, yeah, before Salim takes over? Yeah. How does it feel from, you know, riding chariots to Meri Bhagwan le rahe hain. Matlab ki ye jo hai, itni badi, nahin, such an experience and such a brilliant star cast. I don't think you all have done भगवान का रूप कभी, ये रोहित आपने, मेरे भाई ने किया है, आपके भाई ने, कमल जी सर आपने कभी अपनाया है ऐसा रूप, ये जैसे ये महाभारत, ये इतने इस शो के वो पेन हैं, पेन ये मुंह है, मैं ब्रेन हूँ, ये आइडिया है और ये फैशन है और ये लोगों की सोच। It was very easy for him to play this. Was you were very popular with it. और यहाँ पे ही अगर risk इनका है तो it's not a risk so much for you. Of course many years ago also. लेकिन ये कुछ अलग. So obviously. ये question मैं answer करना चाहती हूँ जो आपने उनसे पूछा था कि risk है. See जब आप picture shoot करते हैं और जिस दिन वो release होती है और अगर वो pit जाए तो वो भी बहुत बड़ा risk है, right? Because I feel there's a certain amount of calculated risk, I'd like to say it that way. Calculated risk hai,
बट आई ऑल्सो फील उस कैलकुलेशन में और उस रिस्क में एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन भी है. यू नो आई थिंक ऑफकोर्स डिजिटल बहुत ह्यूज है आज की डेट में, एंड ऐसी कहानी को आई थिंक एक फिल्म बनाने के लिए या कुछ और करने के लिए भी थोड़ा सा वक्त लगेगा. सो इफ आई डू गेट द अपॉर्चुनिटी टू प्ले समथिंग जहाँ मुझे लगे कि आई कैन एक्चुअली एक्ट, आई वुड लाइक टू एक्सप्लोर दैट. यू नो ट्राई एंड स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन कमर्शियल एंड पाथ ब्रेकिंग का नस्ता. दिस विल बी पाथ ब्रेकिंग एंड सॉरी दिस इज अ बिग क्वेश्चन फॉर यू बिकॉज आपका जो कैरेक्टर है रियल लाइफ में, यू नो यू आजकल थैंक्स टू सोशल मीडिया ऑल्सो कई अलग अलग किरदार वहां पे भी आप अपना सकते हैं. यहाँ पे मैं टिकटॉक की सिर्फ एक थम्स अप देना चाहूंगा, यहाँ पे बहुत सारे लोगों को बहुत मौका मिला है अपना हुनर दिखाने का. इट वॉज अ वेरी डिफरेंट वर्ल्ड, वो बात अलग है कि हाउ इट वॉज यूज लेटर ऑन, बट सिमिलरली सोशल मीडिया वॉज एबल टू प्रोवाइड यू ऑल्सो विद ह्यूज अपॉर्चुनिटीज. जहाँ पे लाइक हाउ श्वेता एट वन टाइम ऑल्सो लोग बोलते थे कि यार ये तो सिर्फ साड़ी में दिखनी चाहिए, और फिर वो अलग अवतार था. सिमिलरली विद यू ऑल्सो दिस इज बैक टू अ वेरी डिफरेंट अवतार. सबसे पहले आपका आंसर देने से पहले मैं बोलूंगा, सबको विश करना चाहूंगा, आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं. एक भाषण सुना था मैंने मोदी जी का, आई थिंक लाल किले पे उन्होंने दिया था, जिसमें उन्होंने टॉयलेट की बात करी थी. सबसे पहले मेरे ख्याल से जो टैबू ब्रेक हुआ था वो टॉयलेट के ऊपर प्रधानमंत्री जी ने स्वयं किया था. उसके बाद मूवीज आई, उसके बाद ये जेनेरिक एक जनरल वर्ड बन गया, नो मोर पीपल हाइड टॉकिंग अबाउट इट. आई थिंक सिमिलरली यहाँ पर मनीष जी एक ऐसा एक वर्ड लेकर आए हैं जिसके बारे में हमें नहीं पता. जब मुझे फर्स्ट टाइम इसके बारे में बताया गया तो मुझे नहीं पता था कि ग्राफ फिटर होता क्या है. आई हैड नो आइडिया अबाउट इट, आई हैड टू गूगल अबाउट इट, एंड ऑफकोर्स देन आई हैड अ मीटिंग विद हिम, ही टोल्ड मी अबाउट इट. और फिर मुझे बहुत सी ऐसी चीजें पता चली कि जो हमारे सामने है लेकिन फिर भी हम उसके बारे में इजीली बात नहीं करते हैं, क्योंकि हम शर्माते हैं, हम ओपनली बात नहीं कर पाते, कहीं ना कहीं वो झिझक है. तो जैसा मैंने ये शुरू किया टॉयलेट के ऊपर या आपने बैडमैन के ऊपर बात करी, जब इसके बारे में बातें होती हैं तो ये चीजें आम हो जाती हैं. फिर जो लोग इन चीजों से सफर कर रहे होते हैं वो सफर नहीं करते, तो ये कहीं ना कहीं एक माइंड सेट को चेंज करता है, एक नई सोच को पैदा करता है. सो हैट्स ऑफ टू मनीष जी टू थिंक समथिंग ऑन इट, एंड आई एम रियली हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ इट. सर ये जो पर्वत आपको लेके चलना पड़ रहा है. हां सर ऑफ कोर्स. सर यू पुट एवरीथिंग इनटू अ नटशेल, द मोमेंट यू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन इट बिकम्स आर्म. वेरी वेल सर, वेरी वेरी गुड. बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर. यस बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर. बेटा आपका फोन आ रहा है क्या दोबारा? क्योंकि क्या है ना, इतना पास है ना, हमें भी पता लग गया कि आप बोल रहे किसी को, आप कोई फंक्शन में हो.